स्वागत है दोस्तों आपका हमारे वर्क टेक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शादाब। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि किस प्रकार से आप अपने पीसी को शट डाउन कर सकते हैं बिना बटन दबाए, यानी आप एक आइकन क्रिएट कर सकते हैं जिसे शॉर्टकट बोलते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट को बना सकते हैं जिस पर डबल क्लिक करके आप उसे शट डाउन कर पाएंगे। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको, इसके लिए मैनुअल उसे शट डाउन करना नहीं पड़ेगा। तो आसानी से आप शॉर्टकट क्रिएट करके अपने डेस्कटॉप पर उस पर डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल करके दिखाऊंगा और आप भी सीख जाएंगे कि कैसे करना है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट करके भी हमें बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट ट्रिक लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे वर्क टेक यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम अपने पीसी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप एक आइकन यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैंने एक शट डाउन का ऑप्शन मतलब शॉर्टकट जो है बना रखा है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये शट डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार का आप शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर ताकि आपको जो बटन दिया रहता है आपके पीसी में शट डाउन करने के लिए उस पर ना ही क्लिक करना पड़े और ना ही आप यहां से इसे शट डाउन करें, क्योंकि बहुत से लोग यहां पर आकर के इसे शट डाउन या रिस्टार्ट जो कुछ भी करना होता है यहां से शट डाउन उसे करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप इसे नहीं यूज़ करेंगे, आप डायरेक्टली आपको सिंपली करना क्या है, आप जैसे ही अपने लैपटॉप को शट डाउन करना चाहते हैं बस जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पीसी है वो शट डाउन मोड में चला जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आइकन कैसे क्रिएट करना है तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो अपने पीसी स्क्रीन पर आपको कहीं पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं राइट क्लिक करता हूँ। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, तो इनमें से आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इधर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको यहाँ से एक शॉर्टकट को चूज कर लेना है। तो चलिए मैं शॉर्टकट को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। जैसे आप चूज करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपसे कुछ लिखने को बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये लिख देना है। आप देख लीजिए संभाल के, जैसे आप ये टाइप कर देंगे यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। देख लीजिए यहाँ पर स्पेस है, exe के बाद स्पेस है, फिर स्लैश है, फिर यस है, फिर स्लैश है, फिर टी है, फिर एक स्पेस है, फिर ज़ीरो है। तो दोस्तों ये आपको टाइप करने के बाद नेक्स्ट करना। जैसे आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर नेम दे देना इसका, शट डाउन या जो भी चाहें आप इसका नेम यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अब यहाँ फिनिश कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे फिनिश कर देंगे तो आपके सामने एक शॉर्टकट ओपन हो बन जाएगा, तो वो कुछ इस प्रकार का आपके सामने बनकर आएगा। तो इस पर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आइकन कैसे बदलना है, जैसा कि ये अभी देख सकते हैं आप ये वाला इस कलर का जो रेड कलर में अभी दिख रहा है आपको, तो इसे एक आइकन देने के लिए दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसे क्लिक करने के बाद आपको फिर राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ में। तो चलिए हम प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो दोस्तों जैसे आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपके सामने शॉर्टकट का। तो इस शॉर्टकट पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा जो कि चेंज आइकन करके मिल जाएगा आपको। तो चलिए चेंज आइकन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे चेंज आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज फ्लैश होगा, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत सारे आइकन दिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप जो आइकन चाहें आप यहाँ से उठा सकते हैं। चलिए मैं इस आइकन को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद दोस्तों इसे ओके कर देना है आपको, और ओके करने के बाद आपको अप्लाई करके फिर ओके कर देना है। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप इस पर आप डबल क्लिक किया करेंगे तो आपका जो पीसी है वो शट डाउन हो जाएगा आसानी से, तो आपको मैनुअली करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होने वाली। तो चलिए मैं आपको शट डाउन करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल से यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी हम अपने मोबाइल से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं स्क्रीन को, क्योंकि अगर शट डाउन कर देता तो वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए चलिए मैं इस पर चलता हूँ और इस पर हमें डबल क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जैसे डबल क्लिक किया तो हमारा पीसी जो है वो शट डाउन होने लगा। तो काफ़ी बढ़िया ट्रिक है, इसे दोस्तों आप यूज़ करके आप अपने पीसी को शट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं।
तो देखा दोस्तों कितनी कमाल की ट्रिक थी। इसे यूज़ करके आप आसानी से बस डबल क्लिक करके ही अपने लैपटॉप को आप शट डाउन कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में भी हमें बताइए। तो दोस्तों चैनल पर अगर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी वर्क टेक फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ लाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।